हिसार में डिप्टी सीएम के आवास का घेराव। आज मुआवजे की मांग को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार में किसान आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करेंगे। किसान पिछले 19 दिनों से रिलायंस कंपनी द्वारा हेराफेरी से सरसों की खरीद, 2020 फसल खराबे के मुआवजे, सीएसी सेंटर के किसानों द्वारा किए गए बीमा क्लेम को किसानों के खातों में डलवाने की मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रशासन के साथ उनकी चार दौर की वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक एक एक किसान का पैसा खातों में नहीं आ जाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी की हुई है। गेट से केवल पैदल ही निकला जा सकता है। डिप्टी सीएम के घर के घेराव को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। पहले इनका हो चुका है घेरा। इससे पहले किसान भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई, जजपा विधायक जोगीराम सिहाग, राज्य मंत्री अनूप धानक के आवास पर जाकर ज्ञापन दे चुके हैं। किसान जिन नेताओं के घर ज्ञापन देने के लिए गए हैं, इन सभी नेताओं के दरवाजे किसानों के लिए बंद मिले हैं।